आज स्कूल में मजा आया। आज स्कूल में पढ़ाई की? हाँ। मजा आया? हाँ मम्मा। कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। हम फिर से आएंगे। तो श्रीनू का इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए रात को इतने नखरे करता है। अब तू जरा घर आ, तेरे को अच्छे नखरे दिखाऊंगी। सो गई क्या? आ गया मैं। आ गई तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं क्या? महाराज आ गए, महाराजा के नारे लगाऊं? क्या बकवास कर रही तू? मैं खाली बोला कि मैं घर पे आ गया ना। आप कल आए थे, आज आए थे, कल भी आओगे, उसमें नया क्या है? कैंची माफ, एक जवान जला रही, क्या हुआ इसको? क्या हुआ? अभी तक बिस्तर में लेटी है? तौलिया नहीं दी, पीठ नहीं घसी, कपड़े नहीं दी, कम से कम खाना तो दे दे, भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे भूख लगी, खाना दे मेरे को। खाना खुद निकाल लो और खा लो। खुद लेकर खा लूं? ये तो बोल क्या बनाई है? दाल चावल है, खाओ और सो जाओ। ए, वो जबान चल रही है तेरी, लगता है पट्टे का स्वाद चखने का तेरे को। फालतू में गुस्सा काय को कर रही मेरे पे? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, खाना खाओ और मेरा सर मत खाओ। हाँ दिन भर खदान में एड़िया घसो और घर पे सुकून के तो निवाले नसीब नहीं होते। लाइट बंद करो, सर में दर्द है, बंद करो। देख तो तेरे लिए क्या लेकर आया? अभी मेरे को कुछ नहीं देखने का है, सुबह देखूंगी। हाँ जब तक तू देखेगी नहीं लाइट बंद नहीं करेगा मैं। ओ, ओ, चैन से सोने नहीं देते हो। हाँ अब क्या बताऊं, यूनियन लीडर बनने के बाद रोज नए नए अफसरों से मिलना पड़ता ना मेरे को। इस खाकी वर्दी से तंग आ गया था मैं, इसलिए कुछ कपड़े खरीदे। और दो साल से तेरे लिए कुछ खरीदा नहीं था मैंने, तो ये साड़ियाँ ले आया मैं। ये हरी वाली साड़ी में एकदम हरियाली लगेगी तू। हाँ अरे देखना, ए अरे गुस्सा गुस्सा थूकना। सिर में दर्द है तो दवाई वाई खाई के नहीं तूने? चल अब रख दे साड़ी, सो जा, आजा। औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। नया कपड़ा मिला नहीं कि पहन डाली उसको। संक्रांति आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तब पहनना चाहिए था ना। ओफो, तुमने ही तो कहा था ये साड़ी मुझ पर अच्छी दिखेगी। ठीक है ठीक है, रहने दे, अच्छी लग रही है। ये वाली पहन ली कोई बात नहीं, पर बाकी नई साड़ियाँ त्योहार पे ही पहनना। अच्छा ठीक है, समझ गई। अच्छा सुनो, आज रविवार है तो बताओ खाने में क्या बनाऊं? चिकन करी बनाऊं या फिर चिकन फ्राई बना दूं? अरे पापा से पूछ लो, वो जो बोले वो बना दे। पापा। हाँ। आज सबके लिए चिकन करी बनाओ या फिर चिकन फ्राई बनाओ? करी ही बनाओ, रोटी के साथ अच्छी लगती है। सुना, पापा ने चिकन करी बनाने को कहा है, तो जाना कड़छी लाने आओ क्या? ठीक है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रीनू, आज बिरयानी खाने का मन हो रहा है,
यहाँ अच्छी चिकन बिरयानी कहाँ मिलेगी, मुझे बता सकते हो? बिरयानी शहर में अच्छी बिरयानी तो नहीं मिलती मैडम, लेकिन मैं एक ढाबा जानता हूँ, वहाँ अच्छी बिरयानी मिलती है। एक मिनट मैडम, आप ठीक 1 बजे पार्क में मिलिए, मैं बिरयानी लेकर आता हूँ, साथ में बैठ के खाएंगे। ओके श्रीनु। ए, क्या कर रहे हो? पापा देख लेंगे। किचन में क्यों? किचन में मूड आया तो किचन में ही। मत करो, पापा देख लेंगे। वो सुपर हीरो है क्या? दीवार के आर पार देख लेंगे। अरे अब बस करो ना, बनाने दो ना खाना। आज क्या हो गया है तुम्हें? आज क्या खिलाने वाली हो हमें? पापा को चिकन करी खानी है, इसीलिए चिकन साफ कर रही हूँ। वैसे बहुत दिनों से तेरे हाथ की कढ़ाई बिरयानी नहीं खाई। ओफो, अच्छा हुआ करी बनाने से पहले बता दिया। आप जाओ नहा कराओ, मैं मस्त कढ़ाई बिरयानी बनाती है। अरे वैसे तू भी साड़ी में हरा भरा कबाब लग रही है। जाओ नहा लो। अभी मीटिंग करना है? रविवार को कोई मीटिंग रखता क्या? हमारे बीवी बच्चे नहीं क्या? अच्छा यूनियन के सभी लोग पहुंच गए। ठीक है मैं आता हूं। हाँ मैं पहुंचा दे। सुवर्णा हाँ? मेरे को निकलने का, अभी यूनियन से फोन आया था, बहुत जरूरी मीटिंग है, सब लोग पहुंच चुके। अरे एक मिनट रुको, बिरयानी बनाने को कहा बिना चखे ही चले जाओगे क्या? तो क्या ठूस लू फटाफट? हाँ नहीं रे, लेट हो रहे, मैं रात को आके खाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं डिब्बे में भर देती हूँ, वक्त मिलेगा तब खा लेना। ये लो। चलता हूँ। श्रीनु, एक मिनट। जल्दी कर। आपको बिरयानी बहुत पसंद है ना, एक डिब्बा कम पड़ जाएगा, इसीलिए एक और डिब्बा लाई हूँ। श्रीनु बहुत प्यार से बिरयानी बनाई है, किसी और को मत खिलाना, खुद ही खाना। ठीक है मैं खाऊंगा। इतना क्यों शर्मा रहे हो? ऐसा गुलाबी कपड़ा पहन के कभी घर से निकला नहीं मैडम। तुम एकदम हीरो की तरह लग रहे हो। रुको, यहाँ देखो। अरे नहीं मैडम, क्या अरे कर रही हो? पोज करो। अरे नहीं ना मैडम, मुझे क्लिक करने दो ना, देखने तो दो। लेने दो ना। स्माइल प्लीज मैडम। क्या गजब की छोरी है, पूरे शहर में ऐसी कोई नहीं होगी। क्या कर रहे तुम सब? निकल निकल, भागो भाई, भाग क्या घर में मां बहन नहीं क्या तुम्हारे? तू क्या कान के नीचे? जिधर देखो हवस के पुजारी घूम रहे। आप बिरयानी खाई नहीं मैडम? बहुत अच्छी है, खिलाऊं क्या? अरे मर गया। अरे सुवर्णा, अरे बेटा मैं गिर गया। क्या हो गया पापा? अरे सुवर्णा कैसे? मैं फिसल गया बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ओ माँ माँ ओ माँ। मस्त है ना? बात कर लो ना श्रीनु, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हेलो, कौन बोल रहे? अरे पापा अचानक से स्टूल से फिसल कर गिर गए हैं, शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम अभी कहाँ हो, जल्दी घर आओ। अरे रे रे रे, बुड्ढा कैसे गिर गया? अच्छा कोई बात नहीं, उसे कॉलेज अस्पताल ले जाओ, कहना यूनियन लीडर श्रीनु ने भेजा है, वो सब संभाल लेंगे। समझ में आई? मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे मीटिंग खत्म होती आके मिलता हूँ तुमसे। हाँ तुम जाओ, तुम जल्दी लेकर जाओ हॉस्पिटल। क्या हुआ श्रीनु? एक पहचान का बेचारा बुड्ढा गिर गया। मैं बोला मेरा नाम इस्तेमाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दो,
क्या कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ना। और कितनी दूर है? नजदीक ही है, बस दो मिनट और। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, घबराइए मत। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनू, एकदम बढ़िया। श्रीनू को बुला लो बेटा। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में फंस गए हैं। बस पहुँच गए पापा, पहुँच गए। मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए थे? मम्मा देखो पापा। तो मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है। अपने बाप को तड़पता बिलखता छोड़, इम्पोर्टेंट मीटिंग तो यहाँ हो रही है। प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, फोन में क्यों देख रहे हो? हाँ क्या हुआ मैडम? इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना, सिग्नल हरा, चलो निकलो जल्दी। हाँ चलता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी यहाँ रुकना है। बज गए, सोना नहीं है क्या? आ रहा तू जा। पता है तुम कितना ज्यादा शर्माते हो। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। तेरे को स्कूल जाने का है कि नहीं? चल भाई जल्दी। नमस्ते श्रीनु भाई। श्रीनु, क्या बोल रही थी? मेरे को तुमसे एक बात कहने का है। हाँ बोल के। आजकल आप सुबह जल्दी जाते हो और रात को भी देर से लौटते हो, और आप यूनियन लीडर भी हो। ये क्या तू टाइम पास कर रही है इधर खड़े खड़े? बातें मत बना, जो बोलने का सीधा बोल। मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ सिलाई और बुनाई का काम सिखाते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी सीख लूँ। तो ऐसा सीधा सीधा बोलने का ना, क्या फीस कितना है? सिर्फ 2,000 रुपया। ये ले फीस के पैसे, मन लगा के सीखना, पैसा वेस्ट मत करना। ए, चल जल्दी बैठ। अच्छा श्रीनु, छोटू को रोज मैं ही स्कूल छोड़ेगी और वापस भी ले आएगी, और यूनियन लीडर बनने के बाद आप बहुत बिजी रहते हैं ना, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो ये भी ठीक है, चलेगा। नाश्ता करना है? नहीं नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया। तो आ जाओ। ठीक है मैडम, साथ में करते हैं हम लोग। आओ भी पहुंचा बस। ओके। ये लो। अच्छा। और लो। ये भी अच्छा। अरे सुवर्णा। जी चाची। श्रीनू कहीं दिखाई नहीं देता? चाची वो अभी यूनियन लीडर बन गया है ना, तो अफसरों के साथ बहुत मीटिंग में बिजी रहते हैं। अच्छा, बहुत दिन हो गए ना उसकी गाड़ी की आवाज़ हाँ, नहीं सुनी। वो कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। तुम इसे और क्यों बर्बाद कर रहे हो श्रीनु?